हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कोटलिन पे जो सेट ऑफ फंक्शन है उसको हम लोग यूज़ करते हैं एंड एरिस के बदले तो और एरलिस टॉफ के बदले हम लोग क्यों सेट ऑफ को हम लोग यूज़ करते हैं उसको ही जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो अगर अपने अभी तक अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। एंड चलिए और देरी ना करते चलते आज के इस वीडियो की तरह और स्टार्ट करते सेट ऑफ को। सो गाइज, जैसे कि देख पा रहे हैं कि सेट ऑफ को बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो सेट ऑफ को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं फिल्टरिंग करने के लिए। डुप्लीकेट जो डाटा आता है उसको हम लोग फिल्टरिंग करने के लिए हम लोग सेट ऑफ को यूज़ करते हैं। एरेज ऑफ से और या फिर एरेज लिस्ट ऑफ से हम लोग जो हर एक डाटा जिसको कि हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं हर एक डाटा यहाँ पर मतलब कि शो कर देते हैं, बट हम लोग अगर फिल्टरिंग करना चाहें डुप्लीकेट डाटाज को तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं सेट ऑफ फंक्शन को। तो देख लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहे ऑनलाइन कंपाइलर को आप ओपन कर ले, तो आप लोग चाहे तो फिर क्या बोलते उसको एंड्रॉयड स्टूडियो को भी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर को आप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हर एक के लिए एक्सेसिबल है। तो मैं एक दो वीडियो पर क्या है कि मैं उसको भी यूज़ करता हूँ, बट अभी अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं इसको ही थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो मैं पहले देख लेता हूँ कि हम लोग अगर एरे से अगर काम करते हैं तो क्या होता है। तो मैं यहाँ पर एनी टाइप ऑफ एरे को यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज या फिर कुछ डाटा को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ओके, सो जस्ट अ सेकंड। ओके, सो जैसे कि मैं यहाँ पर पहले एक स्ट्रिंग कोटलिन, ओके, उसके बाद एक इंटीजर डाटा, उसके बाद एक फ्लोट, उसके बाद एक कैरेक्टर। ओके, सो इसके बाद फिर से सेम एक स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। ओके सॉरी, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर प्रिंट क्या होता है। ओके, सो प्रिंट ln देखे अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो मैं देखता हूँ मैं प्रिंट क्या होता है। माई सेट एरे, मैंने पहले यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है एंड साइज। ओके, तो सेम लाइन को यहाँ पर प्रिंट करता होगा, प्रिंट ln माई सेट एरे डॉट, इसका जो लास्ट का जो वर्ड है उसको मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोटलिन हम लोगों ने दो बार यूज़ किया। ओके, सो मैं चाहूँ तो फिर यहाँ पर एक बुलियन भी एक डाटा को मैं यहाँ पर सेट करता हूँ कि यहाँ पर कितना सारा आता है। सो जैसे कि 1 2 3 4 5 6, सो जैसे कि यहाँ पर 6 डाटा है तो यहाँ पर 6 दिखा रहा है एंड लास्ट का डाटा कोटलिन है तो यहाँ पर कोटलिन शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर सेट ऑफ फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करके मैं दिखा देता हूँ कि कैसे डुप्लीकेट जो डाटा है उसको कैसे यहाँ पर शॉर्ट कर देता है। ओके, सो इसको मैं यहाँ पर से कमेंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेट ऑफ को रन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर से 5 डाटा का शो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड इसने यहाँ पर जो लास्ट का जो कोटलिन जो कि डुप्लीकेट डाटा हम लोग यहाँ पर यूज़ किए तो उसको इसने यहाँ पर से हटा दिया है एंड लास्ट का डाटा यहाँ पर ट्रू शो कर रहा है एंड यहाँ पर इसने सिर्फ 1 2 3 4 5 ही डाटा को यहाँ पर प्रिंट किया। तो सेट फंक्शन को हम लोग इस वजह से आप यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले। मिले तो जल्दी से जल्दी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर अभी तक अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए क्योंकि ये प्लेलिस्ट और भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।